वेलकम करता हूँ दोस्तों एनामेटिक्स क्लासरूम पे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने का दो तरीका हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे। तो पहला ऑप्शन है, नॉर्मली सब लोगों को पता चलता है कि राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन। ओके, ये फॉर्मेट का ऑप्शन मैं लास्ट में यूज़ करता हूँ। उससे पहले इसको अगर फॉर्मेट करना है तो हम लोग दूसरा वाला तरीका देखेंगे। तो इसको ये कौन सा है, आर फोल्डर में यहाँ पे है। तो देखिए हम लोग विंडोज में जाके यहाँ पे टाइप करेंगे विंडोज प्लस आर। तो यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे रन ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी एम डी। ओके, सी एम डी जो लिखा हुआ है इसको रहने देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सी एम डी। लिखने के बाद इसको ओके करेंगे। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एडमिनिस्टर आया। ओके, तो यहाँ पे अभी टोटली ये टाइपिंग का खेल है। टाइपिंग का खेल किसके बाद क्या है टाइप करना है वो देख लीजिए, तो आप ऑलरेडी रन पे जाके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। चलिए इसको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे डिस्क पार्ट लिखेंगे। ओके, डिस्क पार्ट लिखा, इसको एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पे क्या आया, ओके, यहाँ पे फिर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क पार्ट वर्सन आ गया। अभी यहाँ पे क्या लिखने का है, जो हम लोग जो डिस्क ले जो लिस्ट है, ये लिस्ट हम लोग चाहेंगे ना, तो इसके लिए लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क लिखा, इसमें इंटर मार दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया, दो ऑप्शन दिया। देखिए जीरो में क्या है, हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क दिख रहा है, और यहाँ पे वन में क्या दिख रहा है, 14 GB का जो पेन ड्राइव है वो शो कर रहा है। ओके, तो दो शो कर रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सिलेक्ट डिस्क वन। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए ना। सिलेक्ट डिस्क वन मतलब मुझे जो यहाँ पे ऑन करूंगा वन, एक नंबर को फॉर्मेटिंग करूंगा, तो इसके लिए यहाँ पे वन लिखना है। यहाँ पे एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पे बोल रहे कि हाँ सिलेक्टेड हो गया। तो दूसरा क्या लिखना है, क्लीन करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्लीन करना है। यहाँ पे क्लीन क्लिक के फिर एंटर मार दीजिए। ओके, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मेटिंग यहाँ पे से भी हो जाएगा। पहले वहां पे फॉर्मेटिंग अभी करना है। अभी क्या यहाँ पे टाइप करना है, क्रिएट पार्टीशन। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ओके, फिर इंटर मार दीजिए। सिलेक्टेड क्रिएटिंग स्पेसिफाइड पार्टीशन। अभी फिर यहाँ पे टाइप करने का है, सिलेक्टेड पार्टीशन वन। यहाँ पे वन को पार्टीशन करने का, ये करने का ना, तो इसको सिलेक्ट पार्टीशन
सिलेक्ट पार्टीशन वन, एंटर मार दीजिए। फिर यहाँ पे टाइप करना है, अभी फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट लिख के एफ एस स्पेस इक्वल टू एन टी एफ एस अभी क्विक फॉर्मेट करने का है ना, तो क्विक लिखने का है। ओके, यहाँ पे इंटर मार दीजिए। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे टोटली 100% कंप्लीट होगा। जब भी आपका पेन ड्राइव नॉर्मल फॉर्मेट नहीं होगा तभी वायरस क्राफ्ट रहेगा, तभी आप इस पोजीशन पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर नॉर्मल फॉर्मेट होगा तो आप ड्राइव डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 100% हो गया। ओके, यहाँ पे आपका 100% फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो था इसको यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो गया, तो इस सिचुएशन में इस फॉर्मेट में आप ऑलरेडी फॉर्मेट कर सकते हो। जो ये जो पैरामीटर है इस पैरामीटर में ऑलरेडी फॉर्मेट कर सकते हो। अगर दूसरा फॉर्मेट चाहते हो, फॉर्मेटिंग चाहते हो, तो यहाँ पे फॉर्मेट कर, अगर नॉर्मल चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर एन टी एफ एस या तो फिर एफ ए टी 32 डिफिकल्ट में क्लिक करके आप डायरेक्ट क्विक फॉर्मेट में स्टार्ट करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे करेंगे तो आप क्विक फॉर्मेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे अभी ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया है। तो दो दो तरीका आप लोगों को मिल गया, देखिए फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों दो फॉर्मेटिंग का दो रास्ता मिला। अगर राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा है, वायरस कोरप्ट है या तो फिर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रन पे जाके कर सकते हो। चलिए मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कर दीजिए सीखने के लिए दूसरे को, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तभी ना इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होगा तभी अच्छा होगा ना देश का। चलिए मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।